हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रैवल करेंगे गरीब रथ एक्सप्रेस में और शेयर करेंगे इस ट्रेन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे ट्रेन का टाइम, कौन कौन सा दिन चलता है ये ट्रेन, इसके अलावा टिकट का प्राइस कितना है और एसी कंपार्टमेंट में क्या क्या सुविधा उपलब्ध है, ये सब जानेंगे आप इस वीडियो में। गरीब रथ एक्सप्रेस भारत के कई शहरों में चलते हैं, लेकिन आज हम शालीमार से पुरी जा रहे हैं। शालीमार में इस ट्रेन का टाइमिंग है रात में 8:45 पर और ये पुरी पहुंचता है दूसरा दिन सुबह 5:10 पर। हाँ, और एक बात, ये ट्रेन रोज़ नहीं चलता है, ये ट्रेन सप्ताह में सिर्फ दो दिन, ट्यूजडे और थर्सडे, यानी कि मंगलवार और गुरुवार को ही चलता है। ये है हमारा ट्रेन। इस ट्रेन में सारे कंपार्टमेंट थर्ड एसी के हैं। दूसरे ट्रेन में जैसे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, स्लीपर या फिर आपका जनरल का ऑप्शन होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सारे के सारे कंपार्टमेंट थर्ड एसी के ही है। और अगर हम इस ट्रेन के टिकट का बात करें तो दूसरे ट्रेन के थर्ड एसी का जो किराया है उससे इस ट्रेन का किराया बहुत ही कम है। देखिए, थर्ड एसी का ही हम देख रहे हैं, तो दूसरे ट्रेन से इस ट्रेन में आप काफ़ी कम किराया में ट्रैवल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इस ट्रेन में सीट के अरेंजमेंट कैसे हैं। इस ट्रेन पे हमने नोटिस किया साइड में भी तीन बर्थ दिए गए हैं। दूसरे ट्रेन में जैसे साइड में दो ही बर्थ होते हैं, लेकिन इसमें तीन बर्थ है। देखिए, यहाँ पे नीचे एक और ऊपर ये दो लगे हैं। देखिए, ये जो मिडिल वाला बर्थ है इसे इस हुक के मदद से यहाँ पे फंसाया गया है, ये देखिए। चलिए इसे खोल के दिखा देते हैं। इस तरह से जैसे ही आप हुक को खोलते हैं और ये फोल्ड होके बन गया सेकंड वाला बर्थ, ये देखिए। यहाँ पे तीनों बर्थ आराम से देख सकते हैं और साइड में ये जो रॉड लगे हैं इसके मदद से आप सेकंड और ऊपर वाला बर्थ में आराम से चढ़ सकते हैं। मिडिल वाला बर्थ जब हम खोलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है लॉकिंग सिस्टम दिया गया है, इस पर आके वो बर्थ लॉक हो जाता है कुछ इस तरह से, ये देखिए। यहाँ पे देखिए चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। इस साइड में वैसे ही फैसिलिटी है जैसे कि हर ट्रेन में थर्ड एसी में होता है, तीन बर्थ करके है। देखिए, दोनों साइड में तीन तीन बर्थ है। यहाँ पे एक टेबल लगा है और इसके साइड में बॉटल होल्डर, यहाँ पे एक मिरर लगा है और ये सब बैग होल्डर है और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट। इस ट्रेन के जो बॉटल होल्डर है ना, ये सारे ब्लू कलर के प्लास्टिक पाइप से बनाया गया है, देखिए। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और हिट कीजिए बेल बटन को ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब जान लेते हैं इस ट्रेन में क्या क्या मिलता है। इस ट्रेन में हमें सिर्फ दो बेडशीट दिया गया, ब्लैंकेट नहीं दिया गया। खाने पीने के लिए हमने बाहर से ही फूड कैरी किए थे क्योंकि इस ट्रेन में पेंट्री नहीं है। और अगर आप फूड कैरी नहीं किए हैं तो ये ट्रेन खड़गपुर में काफ़ी देर तक रुकती है, वहाँ पे आप खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं। वॉशरूम के अंदर यहाँ पे एक ये मिरर लगे हैं और इधर में देखिए ये फ्लश है, यहाँ पे एक मग और ये डस्टबिन है और यहाँ पे एक फैन भी लगे हैं।
इस ट्रेन के वॉशरूम में आपको कोमट की सुविधा नहीं मिलेगी क्योंकि दोनों वॉशरूम में इंडियन टॉयलेट ही लगे हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात, अधिकतर इस ट्रेन के वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।